जिंदाबाद। वक्त सरहंद रेलवे स्टेशन के उत्ते मौजूद हाँ, जिथे कि कुछ समय पहला तस्वीर देख रहे थे कि प्रवासी जड़े ने अपने घर जाना चाहते ने कि ना कि वह नाराज हो गए रेलवे स्टेशन। तुहाडी ट्रेन हुण आएगी एक घंटा दो घंटा तीन घंटे कहिंदे असीं सवेर तो लैके यही सुनी जा रहे हैं, पर आखिर दे विच गुस्सा चढ़ गया तां फिर कहिंदे पत्थर भी शुरू हो गए। मैं मौके पर था, पथराव उस टाइम हुआ, एक दो पत्थर चला, मगर यहाँ के प्रशासन रेलवे प्रशासन ने बेतमीजी भी किया गया। उस टाइम में मेरे लोग खदरने की कोशिश किया था, प्लेटफार्म पर आने के लिए नहीं मना कर दिया था, आप प्लेटफार्म से बाहर रहिए। हम लोग इतना परेशान थे, कम से कम मैं किसी ट्रेन से चला जाऊंगा, मेरा ट्रेन रद्द कर दीजिए, मैं ऑनलाइन टिकट रखा था, तो मेरा पैसा कम से कम मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए। रेलवे प्रशासन, रेलवे प्रशासन, रेलवे प्रशासन। कितना वो उसने बोला था ट्रेन कैंसिल नहीं किया जाएगा, आपने टिकट वापस कराना है तो करा लिए, गए तो हमें काउंटर पर तो हमें बोला 20% पैसा कटेगा। ये रेलवे कर्मचारी के द्वारा, रेलवे सरकार, रेलवे मंत्री के तरफ से हमारा आस्था पूजा को मजाक नहीं किया है, हमारा कल से व्रत शुरू हो जाएगा, हम रास्ते में व्रत रखना पड़ेगा। कल भी उस टाइम ये भी नहीं पता है मुझे कल भेजेगा कि नहीं भेजेगा, पूरी जानकारी नहीं दे सकते, मगर मेरे साथ जो आज मैं हलचल ये देखा हूँ उसे मेरे साथ मजाक किया है पूरा। ये हमें ये केंद्र के भी जिम्मेदारी देते हैं और हम रेलवे मंत्री को भी कह रहे हैं ना दे, हम किसी तरह से पैदल जाने के लिए छठ में पैदल चला जाएंगे, मगर इस तरह का मजाक ना करें। फिर नंबर बात इन्होंने जैसे कि अभी सारे पब्लिक ने आपके सामने कहा है कि वो 20% डिडक्शन की बात कर रहे हैं, मेरे सामने एक रिपोर्ट है, वो द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है, आप इस पे देख सकते हैं, लिखा है द पैसेंजर्स आर इंटाइटल्ड टू अ फुल रिफंड इफ द ट्रेन इज डिले मोर देन 3 आवर्स। सुबह 11 बजे की टाइम थी 11:30 की, अभी आप देख सकते हैं 1 बज चुका है टाइम, रात का 1 बज चुका है, अब आप कैलकुलेट कर ले कि ट्रेन कितनी घंटा डिले हो चुका है। हाँ जी हाँ, कई बार हमें खुद 2 थप्पड़ लग गए हैं, ठीक ना जी, 2 थप्पड़ हमें खुद पुलिस प्रशासन ने हमें मारे हैं, ठीक ना जी। हाँ टाइम बता दो जी, कौन सा टाइम होगा, कौन सा टाइम ट्रेन आएगा, उसके बाद इसको थप्पड़ पड़े हैं। अच्छा जी, मैम बैठी हुई थी, उससे पूछा गया मैम कितने बजे ट्रेन आएगा, उसी पे भड़क गया, भड़क गई। अनाउंसमेंट करते भी ये ट्रेन आ रही है, जय जा रही है, पूछताछ वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे जब गए पूछने के लिए मैम कितने बजे ट्रेन आएगी, बस भड़क गया। इस वक्त सरहंद रेलवे स्टेशन के उत्ते मौजूद हाँ, जिथे कि कुछ समय पहला तस्वीर देख रहे थे कि प्रवासी जड़े ने अपने घर जाना चाहते ने कि ना कि वह नाराज हो गए रेलवे स्टेशन तो, क्योंकि वारे वारी परेशान किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि तुहाडी ट्रेन हुण आएगी एक घंटा दो घंटा तीन घंटे, कहिंदे असीं सवेर तो लैके यही सुनी जा रहे हैं, पर आखिर दे विच गुस्सा चढ़ गया तां फिर कहिंदे पत्थर भी शुरू हो गया। असीं गलबात करांगे इत्थे तमाम जिहड़े खड़े होए ने, भाई क्या नाम है? मैं भरत यादव हूँ और मैं मौके पर था, पथराव उस टाइम में हुआ, एक दो पत्थर चला, मगर यहाँ के प्रशासन रेलवे प्रशासन ने बेतमीजी भी किया गया है। उस टाइम में मेरे लोग खदरने की कोशिश किया था, प्लेटफार्म पर आने के लिए नहीं मना कर दिया था, आप प्लेटफार्म से बाहर रहिए। अच्छा। और हम लोग इतना परेशान थे से मैं कम से कम किसी ट्रेन से चला जाऊंगा, मेरा ट्रेन रद्द कर दीजिए, मैं ऑनलाइन टिकट रखा था, सो मेरा पैसा कम से कम मेरे अकाउंट में आ जाना चाहिए। तो उसके लिए को वो उसने बोला था ट्रेन कैंसिल नहीं किया जाएगा, आपने टिकट वापस कराना है तो करा लिए, गए तो हमें काउंटर पर तो हमें बोला 30% पैसा कटेगा इसमें से। मैं पहले तो नहीं किया, फिर प्रशासन ने कोशिश किया, आगे से ऑर्डर लिया तो बोला काउंटर पर जाओ टिकट वापस होगा, फिर आगे गया तो 30% पैसा काटने के किया, तो हमने टिकट नहीं कैंसिल करवाए, हमने टिकट फिर रख लिए, फिर बोला आपने जाना चाहते हो तो 4 बजे सुबह में ट्रेन आएगा, वो भी ट्रेन के मुझे आप सीट बुक करा रखे हैं, उसमें मुझे सीट मिलेगा कल के टाइम में कि नहीं मिलेगा वो मुझे कोई भरोसा नहीं कंफर्म नहीं किया। इसमें गलती किसकी मानते हो, आपकी जो सरकार है बिहार की उसकी मानते हो, या फिर जो रेलवे स्टेशन है यहाँ का, या फिर सेंट्रल सरकार की? जी नहीं, ये रेलवे कर्मचारी के द्वारा, रेलवे सरकार, रेलवे मंत्री के तरफ से ये हमारा आस्था पूजा को ये मजाक नहीं किया है, ये मजाक कर को रखा था से हमें दो दो चार चार घंटे पर बोला भरोसा दिया से हमने
ट्रेन भेज रहे हैं मगर होते होते ये 24 घंटा हो चुका। आप लोग छठ पूजा करते हो, अपने गांव जा रहे हो, अपने परिवार के साथ मिलने जा रहे हो, उस चीज को मजाक कर रहे हैं जो मंत्री बैठे हुए हैं? अजी एकदम केंद्र सरकार इसका जिम्मेदारी है और इसने हमें साथ मजाक किया है। हमारा आस्था पूजा छठ पूजा है, हम अपने परिवार के संग जा रहे थे मनाने के लिए। हमारा कल से व्रत शुरू हो जाएगा, हम रास्ते में व्रत रखना पड़ेगा। कल भी उस टाइम में ये भी नहीं पता है मुझे कल भेजेगा कि नहीं भेजेगा। अभी क्यों ऐसा क्यों मजाक बना रही है वो जो मंत्री हैं या रेलवे स्टेशन वाले जो हैं, क्यों मजाक बना रहे हैं आपका, क्यों परेशान कर रहे हैं आपको, क्या है वजह इसके पीछे? सर पहली बात है, मैं एक तो मजदूर आदमी है, हम इस चीज़ के पूरे नहीं जानकारी लेंगे हमारे साथ ये नेता मंत्री क्या कर रहा है, हम इस चीज़ के पूरे जानकारी नहीं दे सकते। मगर मेरे साथ जो आज मैं हलसा ये देखा हूँ उसे मेरे साथ मजाक किया है पूरा। ये हमें एक केंद्र के भी जिम्मेदारी देते हैं और हम रेलवे मंत्री को भी कह रहे हैं कम से कम इस तरह का मजाक ना आगे से करा जाए, ना दे। हम किसी तरह से पैदल जाने के लिए छठ में पैदल चला जाएंगे, मगर इस तरह का मजाक ना करें। हम आपके लिए, हमारे बिहार में तो इतना पता है हमारे बिहार सरकार को, सो हमारे प्रवासी मजदूर है उसके लिए स्पेशल ट्रेन दिया गया है, सो हम मगर हमारे साथ कोई स्पेशल ट्रेन के कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है मेरे साथ। तो कितना कितने कह रहे हैं कि जो स्पेशल ट्रेनें दी गई ने उन्हों का भी कोई सानू इन्ना फायदा नहीं है, जनी हो रहा बंदे ट्रेन भी जी चलाई गई है, होर बहुत सारिया ट्रेना जीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वालों ने झंडी दिती गई है, फिर वो काम नहीं आ रही है तो आपके काम नहीं आ रही? वो नहीं सर, उसके वो मुझे कोई फायदा नहीं है, जो जितना भी ट्रेन चलाया गया है उसके लिए कि मेरे नहीं है, उसमें मेरा इतना टिकट भी महंगा है, किसी में 2500 किसी में 3000 ऐसे टिकट बुक है। फर्स्ट एसी में हम जा नहीं सकते, हम मजदूर आदमी हैं, हम 200-400 दिहाड़ी करने वाले हैं, हम उस आर में तो जा नहीं सकते। एक मेरे लिए स्पेशल निकाला भी गया, उसका पूरी तरह से मजाक आज देखा, मजाक कर मेरे साथ किया है उसने, मजाक किया गया है। मतलब ए भाई, भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम सत्येंद्र राय है, लुधियाना से आए हैं। हरियाणा से आए हो आप? लुधियाना से आए हैं। लुधियाना से सर ऐसा है कि जैसा कि अभी भाई साहब ने बताया कि काउंटर पे जब टिकट कैंसिल कराने गए तो वो कह रहे हैं कि पहली बात तो टिकट कैंसिल नहीं होगे, दूसरे नंबर बात इन्होंने जैसे कि अभी सारे पब्लिक ने आपके सामने कहा है कि वो 30% डिडक्शन की बात कर रहे हैं। मेरे सामने एक रिपोर्ट है, वो द इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट है, आप इस पे देख सकते हैं। लिखा है द पैसेंजर्स आर इंटाइटल टू अ फुल रिफंड इफ द ट्रेन इज डिले मोर देन 3 आवर्स। सुबह 11 बजे की टाइम थी 11:30 की, अभी आप देख सकते हैं 1 बज चुका है टाइम, रात का 1 बज चुका है। अब आप कैलकुलेट कर लें कि ट्रेन कितनी घंटा डिले हो चुके हैं। तो रेलवे के रूल के मुताबिक तो ये है कि 3 घंटा यदि ट्रेन डिले है तो हम 100% रिफंड के लिए इंटाइटलमेंट होते हैं, लेकिन ऐसा इन लोगों ने नहीं किया। मतलब जो नेशनल मीडिया है, जो नेशनल वेबसाइट्स हैं, वो इस चीज को अच्छी से पेश नहीं कर रहे जो आप यहाँ भुगत रहे हो। नहीं, या तो ये पेश नहीं कर रहे हैं या रेलवे अपने रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। अब हम किसकी माने, धांधली कौन कर रहा है? नहीं, हम किसकी माने, हम तो जो रिटर्न में है वही चीज देखेंगे ना, अपनी इंटाइटलमेंट देखेंगे। रेलवे कह रहे हैं कि आपकी इंटाइटलमेंट नहीं बनती, रिफंड नहीं ले सकते। सुबह से बंदा यहाँ भूखे प्यासे बैठा है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के बैठा है, आप उधर देख सकते हैं बुजुर्ग लोग हैं, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो सबका एक सोच होता है कि हम घर जा रहे हैं, आराम से घर तक पहुंचेंगे, दिन भर स्टेशन पे वेट किए है ना, और रात में इस ठंड में अपने बच्चों को लेकर के लोग बाहर बैठे हुए हैं, कंबल चादर लेकर के बैठे हुए हैं। यदि किसी की तबीयत खराब होती है या कोई ऐसी चीजें होती है तो इसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? रेलवे तो इस चीज से पीछे हो लौट जाएगा। आपने वहाँ बिहार में किसको जताया फिर? आपने उस पे ऊपर उम्मीद भी रखी हुई थी? एक्चुअली हम किसी पॉलिटिकल पार्टी पे कोई कमेंट नहीं करना चाहते। बात तो ऐसी है कि जो हमारा सिस्टम है, चाहे सरकार किसी के भी हो, सिस्टम जो है वही सही से चल जाए तो बेटर, यही माना जाए। खराब कौन कर रहा है? देखिए सिस्टम खराब कौन कर रहा है, अब इसमें अब किसके जिम्मेवारी दोगे आप? पब्लिक को जिम्मेवारी दोगे? ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। आपने पैसेंजर्स के लिए ट्रेन चलाया, स्पेशल ट्रेन चलाया,
तीन तीन महीना पहले से 250-300 वेटिंग है, लोग अपना चार चार महीना पहले से बुकिंग करके थर्ड एसी में स्लीपर में अपने पैसे इन्वेस्ट करके आपकी बुकिंग करते हैं, फिर भी सीट कंफर्म नहीं मिल पाती है, एंड में पता लगता है कि आपकी टिकट कैंसिल हो गई है ना। मतलब तो या तो आम लोग है, जैसे इसने भाई ने बोला कि मैं एक मिनट मेरे सवाल सुन लो, जैसे भाई ने बोला कि पब्लिक कर रहा है, मेरी बात सुन लो पहले, जो भाई ने बोला कि मैं दिहाड़ीदार हूँ, मैंने 200-250 वाली जो सीट लेनी है, पर ये जहाँ खज्जल खुआर नहीं होएगा, इसको 200-250 रुपया भी क्या, मतलब ऐसे कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं। अब इस भाई साहब ने या हमने भी अभी ये जो स्पेशल ट्रेन के ऊपर जो अभी बात चल रही है, टॉपिक जिसके ऊपर है, ट्रेन नंबर है 04625 ऐसे ही है ना, 045526 ये सरहिंद से सहरसा तक चल रही है। अभी 10 दिन पहले इसकी बुकिंग शुरू हुई है, 10 दिन पहले इसकी बुकिंग शुरू हुई है, और 10 दिन पहले बुकिंग शुरू होने के बावजूद अब जब आप ट्रेवलिंग के टाइम पे आया तो बंदे यहाँ पे स्टेशन पे आकर के वेट कर रहे हैं, स्टेशन पे आकर के वेट कर रहे हैं। सी की कितना कितने ये चीज नु कोस रहे ने, ये भी कह रहे ने के कितना कितने परेशान किया जा रहा, असि पूजा करना जाना चाहते हैं। जी जी, अब इसमें पब्लिक यदि दिन भर वेट करके आक्रोशित हो फिर भी आप पब्लिक के ऊपर आप डंडे बरसाओगे, ये डंडे बरसाएंगे, डंडे पड़े आज कई लोगों को, पड़े हैं बंदे को थप्पड़ लगे, हाँ जी हाँ, कई हमें खुद 2 थप्पड़ लगे हैं, ठीक ना जी, 2 थप्पड़ हमें खुद पुलिस प्रशासन ने हमें मारे हैं, ठीक ना जी हाँ। जानकारी लेने के लिए एक टाइम बता दो जो कौन सा टाइम होगा, कौन सा टाइम ट्रेन आएगा, उसके बाद इसको थप्पड़ पड़े हैं। अच्छा जी सर, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, एक मैडम बैठा हुआ, मैडम बैठी हुई थी, उससे पूछा गया मैम कितने बजे ट्रेन आएगा, उसी में भड़क गया। अच्छा मैडम भड़क गई, जो अनाउंसमेंट करते हैं भी ये ट्रेन आ रही है, जे जा रही है, पूछताछ वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे जब गए पूछने के लिए मैम कितने बजे ट्रेन आएगी, बस भड़क गया, पुलिस वाले भी थे, सिटी बजा रहे, सब मजाक ही बना रहे ना हम लोग का। अब मान लो हम कहीं से आ रहे, मेरे जेब में 1000 रुपये, मैं तो 500 रुपये बच्चों के पीछे खाने में लगा दिया मेरे पास, अब पैसे नहीं, कैसे जाऊँगा मैं। हमने इतना बोले यहाँ पोटिंग करने के 10 रुपये है, बाथरूम करने के भी 10 रुपये, हमने बोला मैडम जी आप इस चीज़ के कंट्रोल करवाइए, हमने 80 रुपया दे चुका अभी तक, हमने सिर्फ बाथरूम को, तो बोलते हैं यहाँ ठीका हो चुका है, 10 रुपया लगता ही है, खुद स्टाफ ने, रेलवे स्टाफ ने ही बोला। तस्वीर है, इन्हों परेशानियाँ बहुत ने, कितना कितने हमें कह रहे ने कि असी ये चीज़ न अगे तक लेके जावे, इतने जिहड़ा माहौल जिहड़ा होया सीगा पर उसनू सुधारन की कोशिश की, भावें इन्होंने अपने वालों की क्योंकि खराब हो गया सीगा, वाजब है क्योंकि गुस्सा आना, सवेर तो लैके शाम तक उडीक करना, उत्तों जे पुछन जाओ अगों कह देना भड़क जाना, ये चीज़ा वाजब ने, कितना कितने हुणे नाराज़ ने, ताकि इस थान के उत्ते खड़े हुए हैं, कोई जिवें तुसीं पहले भी नारेबाजी कर रहे सी, हुण भी कोई प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने, नहीं अभी तो उस समय किए थे। देखिए पब्लिक के अंदर गुस्सा तो है ही, पब्लिक के अंदर गुस्सा है ही है ना, सबर की एक लिमिट होती है भाजी, 1 घंटा ट्रेन लेट होती है, 2 घंटा लेट होती है, 3 घंटा लेट होती है, सुबह 11 बजे से लेकर के पाजी रेलवे प्रशासन कितना कितने ये दुखी ने कि सानू परेशान किया गया, हुण भी नारे लगा रहे ने कि असी पूजा करन जाना सीगा घरां दे विच, साडी जेब दे विच जे 1000 रुपया है, असी उस दे विच 500 तां इत्थे ही कहांगे घरे की लैके जावांगे। ये वीडियो तुहाडे नाल सांझे कर रहे सीगे, मेरे कैमरे ते सहयोग दे रहे सी बिहार तों राजन, जिन्हां ने इस वीडियो नूं शूट किया, धन्नवाद।